हेलो एंड वेलकम टू द क्लास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 17 में चार्जेस के बारे में बताया गया है। तो उन चार्ज के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, जो सेक्शन यहाँ दिए गए हैं चैप्टर 17 में वो सेक्शन 211 से लेके और 224 तक दिए गए हैं। 211 से लेके और 218 तक फॉर्म ऑफ चार्जेस की बात करी गई है और 218 से लेके 224 तक जो बात की गई है जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात की गई है। आज की क्लास में हमें 211 से लेकर और 215 तक पढ़ना है, 216 और 217 नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। चार्जेस जो बात है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप डेफिनेशन के ढूंढने की बात करेंगे ना सीआरपीसी में, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 2 के क्लोज बी में सिर्फ बता दिया गया है कि चार्ज का क्या मतलब हुआ, और किस शब्द में जो बताया गया है वो बहुत कंफ्यूजन हमें क्रिएट करता है। क्या है वो शब्द, देखिए ऐसे डिफाइन किया गया है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड्स। तो यहां से हमें समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, पहली बात हमें इस डेफिनेशन से समझ लेनी चाहिए कि यहां पे बोला गया चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड्स, मींस चार्ज के अंदर एक से ज्यादा हेड आ सकते हैं, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात हमें क्लियर करनी है वो है कि हेड का क्या मतलब होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको, आई एम अर्चना, आई हैव परस्यूड दिस 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 एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 9 इयर्स, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस एंड आई एम लाइक डीलिंग नाउ विद द यूट्यूब। सो दिस इज व्हाट, आपके समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं क्या बता रही हूँ, आप बोलेंगे तो अपना इंट्रोडक्शन बता रही है। जो मैंने आपको बात बताई उसको आपने एक हेडिंग दिया इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से जो आरोप, जो चार्ज एक व्यक्ति के ऊपर जिस अपराध के लगे हैं, उस अपराध को जो हेडिंग दिया गया उसको बोला हमने चार्ज। ठीक है, समझ आ गया। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, यानी कि यहां पर जो ऑफेंस का चार्ज आरोप एक व्यक्ति पे लगा है तो उसके ऊपर एक से ज्यादा हेडिंग भी लगे होंगे, या हेडिंग का मतलब है आरोप भी लगे होंगे। सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम सोचते हैं हेड का क्या मतलब है। यहाँ पे हेड का मतलब है जो ऑफेंस के ऊपर एक व्यक्ति को चार्ज किया गया है उस ऑफेंस का क्या टाइटल है, उस ऑफेंस का क्या हेडिंग है। और अगर एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है तो उनमें से सभी जो होंगे वहां पे चार्जेस नहीं वर्ड यूज किया, चार्ज यूज किया। तो हेड के लिए अगर एक चार्ज शीट जो चार्ज बना है, अब देखो चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट जो होती है वो पुलिस बनाती है, और चार्ज कौन फ्रेम करता है, वो कोर्ट फ्रेम करते हैं, जजेस फ्रेम करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब हम एग्जाम में पहली बार हमने लॉ पढ़ना शुरू करना होता है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि चार्जशीट तो पुलिस बनाती है, ये चार्ज कैसे है। जब जजमेंट राइटिंग आप करेंगे ना तो देखिएगा, जजमेंट राइटिंग बाद में आती है, पहला स्टेप ही आता है कि चार्ज फ्रेम करते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज फ्रेम करते हैं। तो चार्ज फ्रेम करते हुए ऐसा तो नहीं होता एक व्यक्ति ने एक ही अपराध किया है तो उसके लिए हमने अलग चार्ज बना दिया, दूसरा कराया तो दूसरा बना दिया, तो उसमें क्या था, चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो एक से ज्यादा भी इसमें ऑफेंस लगा देते हैं होते हैं, तो अगर किया है व्यक्ति ने तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो हर एक ऑफेंस जो किया हुआ है वो हेड होगा, तो चार्ज में जो हर एक हेड होगा वो अलग अलग क्या उसको बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। चार्जेस नहीं यूज करा, हेड के लिए क्या यूज करा, चार्ज। जितने भी हेडिंग्स, जितने भी ऑफेंस एक व्यक्ति के ऊपर एक चार्ज में फ्रेम किए गए हैं, उन हर एक फ्रेम हुए हुए हेड को बोलेंगे चार्ज। इतनी बात हमें समझनी है। ये तो हमारा बेस की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई। अब चार्ज को हिंदी में कहते हैं आरोप। अब आरोप का क्या मतलब हुआ, यानी एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस, कोई अपराध किया है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो चार्ज का मतलब ये हुआ कि ऑफेंस करके आया व्यक्ति और उसके ऊपर उसके आरोप को हमने लगाया। अब यहां पर कुछ और बातें हमें देखनी है इसको सेक्शंस को पढ़ने से पहले, क्या क्या बातें देखनी है। देखिए, जब मैंने आपको कहा कि चार्जेस के जो प्रोविजन है वो चैप्टर 17 में 211 से लेकर 224 तक दिए गए हैं, लेकिन इन प्रोविजंस के अलावा और भी सीआरपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं जो कि चार्जेस के साथ डील करते हैं। कौन कौन से प्रोविजन है वो है हमारे पास 227, 228, 239, 240 और 464। यहां पर भी चार्जेस, डिस्चार्ज के बारे में बात की गई है। अब हमने बात की जब ट्रायल्स की, तो हमें पता है अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल्स में से जब बात करेंगे सेशन ट्रायल, वॉरंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड वॉरंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट, यहां पर तो चार्ज फ्रेम होते हैं, लेकिन लेकिन जब हमने बात की समन केस की और बात करें समरी ट्रायल की, वहां पर चार्ज फ्रेम नहीं होती, चार्ज फ्री होती है। ध्यान रखना, चार्ज फ्रेम कहां होती है, सिर्फ सेशन केस में,
सेशन ट्रायल में कब 228 में, वारंट केस में पुलिस रिपोर्ट पे 240 पे, वारंट केस अदर देन पुलिस रिपोर्ट 246 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर हमारे बात की कि यहाँ पर जो है चार फ्रेम होते हैं, बाकी समरी में और समन ट्रायल में नहीं फ्रेम होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें इन चार्जेस के बारे में जो मैं प्रोविजन पढ़ने हैं, जो हमें आज सुबह बातें पढ़नी है कि चार्ज क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो देखनी है कि जो चार्ज होते हैं ना, यहाँ देखिएगा आपको सेक्शन 211 के सबसेक्शन 6 में भी लिखा है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होनी चाहिए। तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब होता है, सीपीसी में सेक्शन 137 में लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बताएगी और हमारे सीआरपीसी में 272 में बताएगी कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कौन डिसाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जो आर्टिकल है 348, उसके सबसेक्शन 1 सॉरी उसकी क्लोज 1 में ये कहा गया कि जो हाई कोर्ट होती है ना, वो क्या लैंग्वेज होगी, उसकी हाई कोर्ट की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी। लेकिन उसी की सेक्शन 348 के क्लोज 2 में ये कहा गया कि गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की परमिशन से जो हाई कोर्ट की लैंग्वेज होगी वो भी कर सकते हैं जो कि स्टेट की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ये बात है यहाँ ये ध्यान रखना। अब हमें लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट पता चल गया, ये पता चल गया सेशन केस में होता है, समन केस में नहीं होता है, समरी में नहीं होता, वारंट केस में होता है, ये जो चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। अब चार्ज जो फ्रेम किए जाते हैं, मैंने आपको बोला जजमेंट राइटिंग में आता है, ठीक है ना, जजमेंट राइटिंग में आता है चार्ज फ्रेम करिए, करके दिखाइए, उसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि चार्ज फ्रेम करिए, क्योंकि जज बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है चार्ज तो फ्रेम करने पड़ेंगे। तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर बुक्स छाटने की भी जरूरत नहीं है, इधर उधर नेट पे खोजने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अपना बेरेक उठाइएगा, उसके सेकंड स्केड्यूल में फॉर्म हमारा 32, वहां पर आपको दिख जाएगा कि चार्ज का क्या फॉर्मेट है। तो चार्ज का फॉर्म है, फॉर्मेट है, उसको बस अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, जो यहाँ बातें बताई गई हैं वही उसमें फॉर्मेट में प्रैक्टिकली लिखी गई हैं। और वो जब आपको दिख जाएगा माइंड में, अपने बैठ जाएगा ना आपके, बस वही कॉपी पेस्ट करके आपको वहां आना है। कुछ नहीं है, कुछ डर नहीं है, कुछ खतरा नहीं है, कुछ बड़ा लाइक क्या बहुत बहुत बड़ा ये होने वाला है, कुछ टेक्निक भयंकर सा कीड़ा है, ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से उसको देखिएगा फॉर्मेट को, ऐसा ही आप लिख करके आइएगा, बस कुछ नहीं, कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में फॉर्मेट दिखाऊंगी किस तरीके का होता है, आप चाहे तो वीडियो के एंड तक देखिए वीडियो को और वहां से देख लीजिएगा फॉर्मेट, और नहीं देखना तो कोई इशू नहीं है, आप अपने बेरैक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन 211 पे जो कहता है कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। सबसे पहली है ऑफेंस चार्ज, जिस व्यक्ति के ऊपर हमने कोई चार्ज फ्रेम करना है उसने क्या अपराध करा जिसके लिए चार्ज उसके ऊपर जो है लगाया जा रहा है, तो वो ऑफेंस लिखा जाएगा कि ऑफेंस आपके ऊपर जो है चार्ज किया जा रहा है। फिर स्पेसिफिक नेम, अगर उस ऑफेंस का कोई नाम है तो वो नाम लिखेंगे, जैसे थेफ्ट है, चोरी है, हाउस ट्रेसपास है, तो नाम लिखेंगे। और अगर नहीं है कोई नाम, स्पेसिफिक नाम नहीं है उस ऑफेंस का, तो क्या लिखेंगे, इतनी डेफिनेशन उस अपराध के बारे में लिखेंगे ताकि व्यक्ति को पता चल जाए मेरे ऊपर इस चीज का चार्ज लग रहा है, ये मुझे इस चीज के लिए जो है क्या किया जाएगा, कोर्ट में जाना है, मेरे को इस चीज के लिए अपराधी माना जा रहा है। उसको इतनी डेफिनेशन देनी है, उतना एक्सप्लेन करना है चार्ज बनाते हुए। या फिर सबसेक्शन 4 कहता है कानून भी बताना है, कौन से लॉ में और कौन से सेक्शन के अंदर उसको जो है हमने इसके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। लॉ का मतलब आईपीसी, तो समय समझ में आ गया कि आईपीसी के अंदर इस धारा पे 300 है, मर्डर है, ये सब हम इसके अंदर लगा देंगे। देख 300 है, हमने सेक्शन बता दिया, आईपीसी बता दिया, नाम क्या है, मर्डर है, ये बता दिया। लेकिन अगर नाम नहीं है तो हमें पता डेफिनेशन देनी है। इसके अलावा हमें पता है एनडीपीसी के अंदर कुछ है तो एनडीपीसी का नाम आ जाएगा, पोस्को है तो पोस्को, एससी एसटी है तो जो लॉ है और जो सेक्शन है वो भी बताना है। फिर यहाँ पर देखिए सबसेक्शन 5 को सुनिएगा, कंडीशन ऑफ चार्ज फुलफिल्ड। नो व्हाट इज इट, जब भी चार्ज लगा है एक व्यक्ति के ऊपर किसी ऑफेंस का, तो ये समझना जरूरी है कि वो ऑफेंस करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड थी, जो जो रिक्वायरमेंट थी, यानी इस ऑफेंस को करने के लिए क्या क्या चीजें थी कि माना जाए कि व्यक्ति ने अपराध किया, वो सारी रिक्विजिशन इस व्यक्ति ने कंप्लीट की तब जाकर के इसके ऊपर ये चार्ज लगा है। चार्ज बना इसका मतलब ये कि इसने ऑफेंस की सारी कंडीशन पूरी की है, ठीक है। फिर आता है 6, सबसेक्शन 6 मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होती है। फिर सबसेक्शन 7, प्रीवियस कन्विक्शन। अब यहां देखो, अगर एक व्यक्ति ने पहले भी कोई अपराध किया था और उस अपराध की वजह से उसको जो अब प्रेजेंट अपराध के लिए चार्ज बन रहा है उसकी पनिशमेंट ज्यादा होनी थी, ठीक है ना, एडिशन जो होना था तो वो क्या होना था, उसकी पनिशमेंट बढ़ जानी थी।
तो वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली बात है। और अगर नहीं होगा, यदि व्यक्ति ने जो जो है अपराध किया हुआ है और जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे वी और ह्यूमन बींग्स, जजेस भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम कल को जज बन जाएंगे तो हम क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स ही रहेंगे, कुछ रॉकेट तो नहीं बन जाएंगे, कुछ रॉबर्ट तो नहीं बन जाएंगे ना, कंप्यूटर नहीं बनेंगे, तो गलतियां हो सकती हैं। तो अगर प्रीवियस कन्विक्शन का स्टेटमेंट छूट जा रहा है तो उस केस में कोर्ट भी जज जब भी चाहे उसको ऐड कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने पहले भी ये अपराध किया था, कन्विक्शन उसका ऐड कर सकते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब सेक्शन 7 कहता है। मेरे को लगता है 211 आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रही थी। बाकी मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट जो है आपको वीडियो के अंत में दिख जाएगा। सेक्शन 212 कहता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। इसका मतलब जब एक चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके अंदर ये चीजें भी आती हैं। कौन कौन सी पर्टिकुलर्स भी आते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं, क्या पर्टिकुलर्स आते हैं, टाइम, किस टाइम उसने अपराध किया, किस जगह पे किया, किस व्यक्ति के अगेंस्ट किया, या किस थिंग के, पैसे के अगेंस्ट, मनी के अगेंस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी किसके अगेंस्ट उसने किया, वो सब भी चार्ज के अंदर आएगा। फिर इसके अंदर सबसेक्शन 1 कहता है टू नोटिस एक्यूज। क्या इसने नोटिस को, ये किसने कर रहे हैं आप, ये बताने के लिए एक्यूज को कि आपने देखिए ये अपराध ये टाइम पे इस व्यक्ति इस पैसे इस मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया था। और अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है या मूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो उस केस में अगर हम यहाँ पर ग्रोस अमाउंट कर देगी, मतलब जो ग्रोस अमाउंट है जैसे कहते हैं कि एग्जैक्ट ना बता करके एक बेसिक उसको बता दिया कि इतने अमाउंट के लगभग तुमने जो है अपराध किया है तो वो काफी होगा। और इसमें 219 सेक्शन 219 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे कि अगर व्यक्ति ने एक साल के अंदर अंदर ऐसा कोई अपराध एक से ज्यादा किया है तो वो भी साथ में उसको ट्रायल कर लिया जाएगा। पर प्रोवाइडो ये कहता है कि एक साल के अंदर अंदर वो अपराध होने चाहिए। अगर हम एक से ज्यादा को अपराध को ज्वाइंट कर रहे हैं इस कैटेगरी के तो वो कैसे होने चाहिए, एक साल के अंदर अंदर होने चाहिए, तभी उनको एक साथ लाया जा सकता है। एक साल के बाद अगर उसने किया तो वो अलग अलग चार्ज बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर 213 कहता है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि कब ऐसा टाइम होगा, कब हमें ये ऑफेंस किस तरीके से किया गया वो भी बताना है। ये सब तो बताना है, टाइम प्लेस पर्सन ये सब तो बताना है टाइम ऑफेंस के बारे में, लेकिन ऑफेंस किस तरह से किया गया वो भी बताना पड़ेगा। सेक्शन 213 कहता है कब बताना पड़ेगा, ये कहता है कि जब ये क्लियर नहीं हो पाए कि व्यक्ति को ये क्लियर नहीं हो पाए कि मैंने ऑफेंस कब किया, तो उसको क्लियर करने के लिए उसको बताना भी पड़ेगा कि आपने जो ऑफेंस किया था वो इस तरह से किया था। जैसे एक व्यक्ति ने के ऊपर चार्ज लगा चोरी का तो थेफ्ट लिख देंगे, उसने पहले हाउस ट्रेसपास किया तब थेफ्ट किया तो हाउस ट्रेसपास लिख दिया हेडिंग और फिर थेफ्ट, समझ में आ गया। हाउस ट्रेसपास का मतलब ऐसे होता है, वो हमारे आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है, थेफ्ट का मतलब ऐसे होता है, तो वो सब हमें पता चल जाएगा, इस चीज से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चीटिंग की बात आती है कि एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाए कि इस व्यक्ति ने चीटिंग की, तो चीटिंग का क्या तात्पर्य है, आप किस बात को चीटिंग कह रहे हो, सकता है व्यक्ति के हिसाब से वो चीटिंग ना हो, तो एक्सप्लेन करिए, मैनर बताइए कि आप कह रहे हैं कि चार्ज लग रहा है उसके ऊपर किस चीज का, चीटिंग का, तो एक्सप्लेन करना होगा कि जो चीटिंग की है इसने ये काम किया इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इसने चीटिंग की। या फॉल्स एविडेंस की बात, तो कह रहा है मैंने तो झूठा नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हैं फॉल्स एविडेंस, तो फॉल्स एविडेंस किस तरीके से माना जा रहा है वो बताना भी जरूरी है। तो जिस तरह से उसको पता चल जाए कि आपने क्या क्राइम किया है वो मैनर, जो मैनर जिस मैनर के थ्रू माना गया है कि इसने क्राइम किया वो मैनर भी बताना जरूरी है, जब सरकमस्टांसेस ऐसी हो कि क्लियर नहीं हो, तो सेक्शन 213 ये कहता है। 214 क्या कहता है, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। यहां ध्यान दीजिएगा कि जिस लॉ के अंदर व्यक्ति पनिशेबल होगा, यहाँ पर हमने बात की ना लॉ एंड सेक्शन, तो जिस लॉ के अंदर व्यक्ति पनिशेबल होगा वो वर्ड वो ऑफेंस वैसा ही हमने चार्ज में लगाया है जैसा कि उस लॉ में होता है, जिस जैसे कि लॉ में था, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर चोरी का चार्ज लगा है आईपीसी का तो उसकी पनिशमेंट इतनी है, तो ऑफेंस जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया चार्ज क्रिएट किया तो उस वक्त जो होगा वो वैसे ही शब्दों में लिखा जाएगा, जैसे सब शब्दों में कैसे होगा उस सेक्शन में उस एक्ट में था। वेर वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, तो वह जो शब्द होंगे वैसे ही लिए जाएंगे जैसे कि ऑफेंस पनिशेबल होता जिस सेक्शन जिस लॉ का हमने लिया हुआ है।
215 पे आ जाओ, इन द इफेक्ट्स ऑफ एरर्स। अब यहाँ पर एरर्स और ओमिशन दोनों चीजें आ जाती हैं। एरर का मतलब गलती हो जाना और ओमिशन का मतलब कुछ छूट जाना। जब चार्ज फ्रेम हुआ उस वक्त कुछ गलती हो जाती है। मैंने अभी बोला वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, जजेस भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो कभी कोई गलती हो गई या कुछ छूट जाता है चार्ज फ्रेम करते हुए, तो उस वक्त क्या होता है। वैसे तो कुछ मटेरियल नहीं काउंट होगा, कि कुछ भी मटेरियल है ऐसा काउंट नहीं होगा, लेकिन कई बार जिसे एक्यूज को परेशानी हो सकती है तो वो मटेरियल काउंट होता है। कैसे? देखिए, ए के ऊपर जो है लगा हुआ है चार्ज, उसने बी के साथ चीटिंग करी। अब ए ने बी के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, या बोला जाए बहुत सारी ट्रांजेक्शन की थी, उसमें जो ये नहीं बताया गया चार्ज में किस ट्रांजेक्शन के लिए आप उसके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, उस ये चीज नहीं बताई गई कि किस ट्रांजेक्शन के लिए उसके ऊपर चार्ज लगा है चीटिंग का, तो ये मटेरियल एरर है, ये मटेरियल एरर है, उसको करेक्ट करना होगा। जब ए के ऊपर चार्ज लगा कि उसने बी के साथ चीटिंग की, बी के साथ चीटिंग की, अब उसने बी के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन की, किस ट्रांजेक्शन में चीटिंग की बात हो रही ये बताया ही नहीं गया, तो इसका मतलब ये मटेरियल एरर है, डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा ना भाई। ऑब्वियसली बात है, आपके इसने एरर की, इसने जो है इसके साथ चीटिंग की, लेकिन चीटिंग कैसे की, कौन सी बात पे की नहीं पता होगा, तो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा, तो ये मटेरियल एरर है, इसको करेक्ट करना होगा, ये करेक्ट हो जाएगी। और दूसरी, इसमें इस सेक्शन में ही 215 में बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन बताया ये भी उसी में से ही है। और एक और इलस्ट्रेशन है जो बहुत अच्छा है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हैदर बख्श, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है खुदा बख्श, तो दोनों के नाम सिमिलर है ना। अब देखिए, ए के ऊपर चार्ज लगता है कि उसने 20 जनवरी 1882 को, अब कहेंगे इतना पुराना इलस्ट्रेशन में यही है तो मैं यही लेके आई हूँ, मैंने एज इट इज उसको ले लिया है, आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो ए के ऊपर चार्ज लगा है कि उसने हैदर बख्श नाम के एक व्यक्ति का 20 जनवरी 1882 को मर्डर कर दिया। अब 21 जनवरी को खुदा बख्श ए को गिरफ्तार करने जाता है, और उसी वक्त ए जो होता है वो 21 जनवरी को क्या करता है, खुदा बख्श को भी क्या करता है, मर्डर कर देता है। अब ए के ऊपर चार्ज लगा कि उसने हैदर बख्श का मर्डर किया। अब जो ए अपने लिए डिफेंस तैयार करा के करके लेके आएगा, वो लेके आया किस लिए कि हैदर बख्श का मैंने मर्डर किया, मुझे ये प्रूफ करना है कि मैंने नहीं करा, है ना, मेरे ऊपर चार्ज लगा कि हैदर बख्श का मर्डर करा है ए सोचता है, तो अब मुझे अपने आप को डिफेंड करना है। वो वैसे ही बना करके लाएगा अपनी डिफेंस, जैसे कि वो हैदर बख्श का मर्डर नहीं करके आया। अब वहां जब उसका ट्रायल शुरू हुआ, वो ट्रायल शुरू हो गया खुदा बख्श का, समझ रहे हैं, तो जो एरर है ना वो मटेरियल एरर है, पूरे केस का चांस भी जो है रुख ही बदल देगा। हैदर बख्श और खुदा बख्श अलग अलग टाइम पे हुआ, जैसे कि भी हमने बात करी टाइम एंड प्लेस भी मेंशन होना जरूरी है, सर्कमस्टांसेस भी अलग अलग होंगी जो भी उसके ऊपर चार्ज लग रहे हैं, तो वो अपने डिफेंस हैदर बख्श का चार्ज लेकर के आया और खुदा बख्श का उसका ट्रायल हो रहा है, तो ये मटेरियल एरर है, ये करेक्ट होगी। तो ये चीजें हमने पढ़ी 211 से लेकर 215 तक, तीन केस दो पढ़ने हैं जो बेसिकली एक ऐसी डेफिनेशन बताते हैं कि चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट चार्ज होता क्या है वो है। और तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो इम्पोर्टेंट चीज है, लास्ट में आप देखिएगा फॉर्मेट है क्या चार्ज का। तो पहले मैं आपको केस लॉ बता देती हूँ। देखो, तीन केस लॉ है, वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट 1979, बिरिच बुहाइन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963, ऐशर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2004। इन तीनों में ही एक वर्ड कॉमन है, दैट इज प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त रूप में बताना है एक्यूज्ड को कि आपके ऊपर कुछ चार्ज लगा है। वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट 1979 के केस में कहा गया कि जो पर्पस होता है चार्ज का वो ये होता है कि एक्यूज्ड को इंटीमेट कर देना है क्लियरली प्रिसाइसली अनएम्बिगुअसली कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है, जिसके लिए आपको ट्रायल करा जाएगा, जिसके लिए आपका जो है ट्रायल होगा। बेसिकली क्यूज को बताना कि आपके ऊपर क्या जो है आरोप लगा है, वो चार्ज फ्रेम करने का पर्पस होता है, किस ऑफेंस के लिए आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। बिरिज बुहाइन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी एक आ गया, दैट इज दिस इज अ प्रिसाइज फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन, स्पेसिफिक एक्विजिशन करने का एक प्रिसाइज फॉर्मूला है एक्यूज्ड को बताने का कि आपके खिलाफ ये जो है एक्यूजेशन लग रहा है। सेम यही बात इसकी भी कही गई, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन जो होता है उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज की कुछ ऐसे डेफिनेशन हमने बोला अब इसी आरपीसी में नहीं, बस वो जो डेफिनेशन क्लोज बी में सेक्शन 2 के जो डिफाइन भी गया, एनी हेड ऑफ द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, तो वो सब चीजें हमने देखनी है। बाकी इसमें पता चल रहा है कि ये प्रिसाइज फॉर्मुलेशन है एक्विजिशन का, किसी के ऊपर आरोप लग रहा है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है उसको बोलते हैं चार्ज। तो ये समझ में आने के बाद फॉर्मेट देख लेते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।